एसेंचर जो एक फ्रेशर को 4.5 पॉइंट से लेके 9 एल तक का पैकेज देता है अगर आप एसेंचर में काम करना चाहते हो तो एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एसेंजर की तरफ से आई है जिसका नाम है, है हैक दीवा और इस वीडियो में मैं आपको उसकी सारी डिटेल देने वाला हूँ कि हैग दवा क्या होता है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसमें क्या राउंड होने वाले उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है साथ में फ्री रिसोर्सेज क्या है यार ये या अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी बंद होने वाली है लास्ट डेट बहुत नज़दीक है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो सो so, क्या हाल है दोस्तों वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन मेरा नाम सुमर सिंह राजप्रीत है और आज आपके लिए एक बहुत अच्छी एसेंशियल की तरफ से अपॉर्चुनिटी लेकर आया हो जिसका नाम है हैक दीवा इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको एक एक करके चीज़ें बता देता हूँ सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया है, ये हैक दीवा क्या होता है सेकेंड मैं आपको बताऊँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कौन कौन एलिजिबल है कौन से ईयर के पास आउट एलिजिबल है कौन से ब्रांच के लोग एलिजिबल है थर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ राउंड्स क्या होने वाले हैं भैया फोर्थ में इसकी डेट बताने वाला हो डेट बहुत पास है इसलिए जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर देना फिफ्थ के येराइस इसके लिए प्रिपेयर किस तरह से करना है साथ में फ्री रिसोर्सेज क्या है इसमें आपको एक और गाइडेंस दूंगा कि आप नॉर्मली भी प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आप अटकोगे और उसको सॉल्व किस तरह से करना है वीडियो बहुत तगड़ी होने वाली है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको सिंपल सा क्या करना है सबसे पहले इसकी लाइक टारगेट रखी हुआ है वन थाउजेंड लाइक तो फटफट वीडियो को लाइक करो चैनल पर नए हो ऐसी जॉब अपडेट अपॉर्चुनिटी चाहते हो प्लेसमेंट की फ्री रिसोर्सेज चाहते हो प्रॉपर गाइडेंस चाहते हो तो भैया सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों में शेयर करो बिना वेस्ट किए टाइम चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो चलो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सुमेर भाई ये हैक दीवा होता क्या है तो बेसिकली एसेंचर की तरफ से एक कोडिंग कंपटीशन होता है फीमेल कोडर्स के लिए जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं इंडिविजुअल आप पार्टिसिपेट करते हो इसमें टोटल तीन राउंड होते हैं हर राउंड एलिमिनेशन राउंड होता है जो टॉप राउंड पे जाता है उनको बहुत सारी विनिंग प्राइजेस मिलती हैं और उसी के साथ एसेंचर में काम करने का मौका मिलता है ये सारे ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है फीमेल कोडर्स के लिए तो बेसिकली क्या समझा ये कोई हैकत है तो नहीं कोडिंग कॉम्पिटिशन है हैक दीवा एसेंचर की तरफ से ओके ये समझ में आ गया अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है चलो वो भी बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करना है सॉर्टेड है कौन फीमेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लियर है कौन से कौन से स्ट्रीम और ब्रांचेस से कोई भी स्ट्रीम या फिर कोई भी ब्रांच से अगर आप मैकेनिकल में हो सिविल में हो ई से में हो आई में स्विच करना चाहते हो ये वन ऑफ़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बी बी टेक किया है एलिजिबल हो एम एम टेक किया है एलिजिबल हो एम सी ए किया है तो भी एलिजिबल हो अगर आपने एम एस सी किया है तो यहाँ पे ये लोग सिर्फ कॉम कॉमसाइटी देख रहे हैं बाकी सब बाकी जगह है वहाँ पे कोई भी स्ट्रीम है या फिर कोई भी ब्रांच है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो कौन से कौन से साल के लोग पास आउट है ट्वेंटी वन से पास आउट है ट्वेंटी वन पास आउट हो तो भी एलिजिबल है ट्वेंटी टू पास आउट हो एलिजिबल है ट्वेंटी थ्री पास आउट हो तो भी एलिजिबल है और ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पास आउट हो अभी करंटली जस्ट पास आउट हुए हो तो भी आप एलिजिबल हो कॉलेज स्टूडेंट इसमें करंटली एलिजिबल नहीं है और जो 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 एसेंचर में करंटली काम काम कर रहा है वो इसमें एलिजिबल नहीं है इतना क्लियर हुआ बाकी ये भी डिटेल्स आप पढ़ लेना कि वही बात बताई गई है कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और बाकी चीजें क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं क्या प्राइजेस मिलने वाले हैं सुमेर भाई काम करने का मौका मिलेगा क्या ये प्राइज आए तो ठीक है तो पहले प्राइस बता देता हूँ फिर काम करने का मौका मिलेगा कि नहीं वो भी बता देता कि जॉब कैसे मिलेगी सबसे पहले जो फर्स्ट आएगा भैया उसको मैकबुक मिलने वाला है सेकेंड आएगा उसको आईपैड मिलने वाला है थर्ड आएगा उसको सैमसंग की वॉच मिलने वाली है और जो टॉप टेन उसके बाद आने वाले हैं उनको मिलने वाला है फाइव थाउजेंड रुपीज का वाउचर पर उसी के साथ साथ सुमेर भैया काम कैसे मिलेगा नौकरी चलो बताता हूँ देखो लिखा गया है कंटेस्टेंट हु रजिस्टर कंटेस्टेंट ने कॉन्टेस्टेंट रजिस्टर विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन एसेंचर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो जो अच्छा परफॉर्म करते हैं भैया उनको नौकरी का मौका मिलेगा इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा एसेंचर दो रोल्स के लिए हायर करता है पहला है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 4.5 पॉइंट फाइव से शुरू होता है दूसरा है इनका एप्लीकेशन एनालिस्ट जिसकी भी कुछ नाइन एल पी से पैकेज है एट एल पी ए से टेन एल पी ए तक जाता है बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इतना क्लियर है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू तो आप हायर हो सकते हो आगे बढ़ते हैं राउंड्स के लिए तो राउंड्स के पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ ट्वेंटी एट जून लास्ट डेट है इसकी कितनी ट्वेंटी एट जून जो कल ही है अगर ये आज अपलोड हो रहा है तो कल ये है तो जल्दी से जल्दी नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक दी गई है जल्दी से जाके अपने को क्या करना है अपने को अप्लाई कर देना है शॉर्टेड है उसके बाद आपका पहला राउंड होगा सात जुलाई को सेकेंड राउंड होने वाला है फोर्टीन जुलाई और थर्ड राउंड होने वाला है ट्वेंटी जुलाई को क्लियर है पहला राउंड में देखो बेसिकली यहाँ पे कोडिंग टेस्ट ही आने वाले तो आपको कोडिंग क्वेश्चंस देंगे पहला राउंड ऐसा कहा जाता है कि इसमें एमसीक्यूज भी पूछते हैं पर बेसिकली एमसीक्यूज में भी सीएस के फंडामेंटल्स पूछेंगे और उसी में आपको कोडिंग के स्निपि दे देंगे कि ये कोड में क्या गड़बड़ है क्या एरर है क्या आउटपुट आएगा उस तरह से सेकंड राउंड में कंप्लीट डी आएगा भैया प्रॉपरली आपको दो या तीन कोडिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे सेकंड राउंड होने वाले आपने कितना वन ट्वेंटी मिनट का पहला राउंड होगा नाइन्टी मिनट का और अगर आप पहला राउंड क्लियर करते हो सेकेंड में जाते हो सेकेंड क्लियर करते हो थर्ड में जाते हो तो ये फिनाले राउंड है ये भी वन मिनट का होने वाला है बेसिकली तगड़ा डी एड ए डी एस पूछते हैं भाई अगर अच्छा क्रैक करते हो तो मैकबुक आईपैड तो मिलता है काम करने का मौका मिलता है एसेंचर में अच्छी खासी जॉब क्योंकि आजकल जॉब मार्केट में नहीं आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप बिल्कुल मैं मिस आउट करो इतना क्लियर हुआ तो सवाल आता है कि भाई की तैयारी कहाँ से करनी है किस तरह से करनी है साथ में कुछ फ्री रिसोर्स शेयर कर दो तो सारी चीज़ें कर लेता हूँ देखो सबसे पहले ना इसमें सी के फंडामेंटल्स पूछने वाले हैं जिसका मतलब है आपको ऊपस के कॉन्सेप्ट पूछेंगे डी बी एम एस के कॉन्सेप्ट पूछेंगे उसी के साथ डी एस ए के कॉन्प्ट पूछेंगे और ज़्यादा करके कभी कभी कंप्यूटर नेटवर्क के भी पूछ सकते हैं और साथ में आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज बहुत तगड़ी होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल आपको सी एच ए से आना चाहिए सी प्लस प्लस आना चाहिए जावा के अंदर के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए उसके बेसिस पर आपको पूछ सकते हैं इन सब के लिए ना इंटरव्यू बिट करके एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको प्रॉपरली इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से मैं उसकी प्रॉपर लिंक क्या कर दूंगा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है एल एम टी जॉब अपडेट्स वहाँ पर मैं डाल दूंगा वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो उधर मैं प्रॉपर पी डी एफ बना के इसकी फ्री रिसोर्स शेयर कर दूँगा साथ में डी एस ए भी पूछा जाता है तो टीकी फॉरवर्ड करके वेबसाइट है स्ट्राइवर की वो आप चेकआउट कर सकते हो उसमें प्रॉपरली बेसिक्स जो एडवांस बताया गया है तो वो अगर आप करोगे तो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ देखो सिंपल सी बात बता दूँ आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ आपको हैक दिवा के लिए बता रहा हूँ मैं कभी भी आपको एक चीज़ के लिए कभी तैयार करता ही नहीं हूँ मेरा गोल है कि आपको मैं कोई भी प्लेसमेंट आए तो उसके लिए मैं आपको तैयार करूँ ओके okay. डी एक ऐसी चीज़ है पहले तो टी सी एस या फिर सर्विस वेज कंपनी नहीं पूछती पर हर कोई पूछता है अभी तो भैया आप समझ रहे हो अभी मास रिक्रूटमेंट नहीं होता कि ट्रक में भर के लेके जा रहे जैसा अपने को दिखाया जाता है मीम सेर इसमें अभी दो कोडिंग क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं क्रैक कर रहा है तो भैया आ जाए वरना नहीं आ तो साढ़े लाख का भी पैकेज अगर आपको चाहिए तो भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए अगर आप अमेजन जैसा भी पैकेज क्रैक करना चाहते हो चालीस एल पी ए का तो भी कोडिंग क्वेश्चन आने चाहिए तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं डी ना करके भी आगे बढ़ जाऊंगा तो ऐसा नहीं होता बहुत सारी कंपनी है जो डी पूछती पूछती है तो अपने को क्या करना है अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है अगर आपने अब तक नहीं किया तो ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो दो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए सबसे पहली चीज़ ना आपको डी में जिताएगा कौन आपकी कंसिस्टेंसी अगर रोज लेके बैठोगे एक घंटा आधा घंटा डेढ़ घंटा तो आप भाई लंबा चलोगे और दूसरा है नॉट गिविंग का एटीट्यूड लोग क्या करते हैं पहले दिन बैठा सॉल्व नहीं हुआ तो गिव अप कर देता है दूसरे दिन बैठा तीसरे दिन बैठा भाई ये लंबा मैराथन रेस है इसमें तुम बहुत बार फेल होने वाले हो पर अगर आप कंसिस्टेंटली बैठे जाओगे वही है कि कंसस्टेंटली बैठोगे बिना गिव अप करे कि हाँ नहीं हो रहा है थोड़ा तो हारेंगे ना अपन ज़रूरी थोड़ी कि हर पत्थर से आम गिरे कुछ कोशिशें तैयारी की भी होती है मेरे दोस्त तो कंसिस्टेंट्सली बैठ खुद के नोट्स बना गिव अप मत कर खुद को लोगों से कंपेयर मत कर और तू लगे रहेगा ना भाई तो तू बहुत अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करेगा इतना क्लियर है एक और चीज़ अगर आप समझो अभी कॉलेज स्टूडेंट हो करेंटली अपने एप्टीट्यूड और प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट मोमेंट क्वेश्चन की तरफ से एक एप्टीट्यूड सीरीज है जहां पे हम एप्टीट्यूड की प्रॉपर प्रिपरेशन कराते हैं और साथ में एक कंप्लीट प्रिपरेशन का प्लेसमेंट प्रिपरेशन का भी कोर्स है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथ ही साथ हमने एक प्रॉपर पी बनाई है जो मैं आपको हमेशा शेयर करता हूँ कि हाउ टू तो क्रैक प्लेसमेंट इन फोर मंथ उसमें मैंने कंप्लीट रोड मैप दिया है और साथ ही साथ मैंने उसमें बहुत सारी फ्री रिसोर्स शेयर की है तो उन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आप पी है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही अभी से अभी जाके अप्लाई करो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है सिर्फ 24 घंटे भी नहीं है उसके पहले जाके अप्लाई कर दो सॉर्टेड है इसके लिए तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी और अच्छी लगी तो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अपने बाकी फीमेल फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर दो क्योंकि यार उन तक ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी की जब लग जाए तो बहुत अच्छी बात होती है ना और साथ में अपनी लाइक टारगेट वन को फटफट फटफट फट फटफट कंप्लीट कर दो भाई एक और चीज़ है यार बहुत सारे लड़के कंप्लेन करके आप सुन रहे, रहे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लाओ यार जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है ना मैं सबसे पहले आपके लिए लेके आता हूँ तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो साथ में इस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लो यार वहाँ पे ना बहुत तगड़ा मैं कॉन्टेंट ला रहा हूँ भाई साथ में बहुत सारी शीट्स है फ्री रिसोर्सेस है पी डी एफ है मैं शेयर करे जा रहा हूँ तो अगर आप ये सब मिस आउट नहीं करना चाहते तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बाकी ख्याल रखो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्लेसमेंट्स हैव अ नाइस डे